गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं जो आप सबके साथ हेयर रेमेडी हेयर डाई शेयर कर रही हूँ, ये हमारे सफ़ेद बालों को धीरे धीरे करके बिल्कुल जड़ों से काला करने के साथ साथ बालों को लंबा, घना, मजबूत, मोटा बनाएगी। इसके साथ साथ बालों को सिल्की भी बनाएगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेनी है 15 से 20 हिबिस्कस के लीव्स यानी गुड़हल की पत्तियाँ। अगर बाय चांस आपके पास ये नहीं है तो जहाँ पर मैं इन्हें यूज़ करूँगी आप वहाँ पर एक चम्मच के जितना मेथी दाना ऐड कर लेना, ठीक है, जिसे हम फेनोग्रिक सीड्स भी कहते हैं। गुड़हल की पत्तियाँ और मेथी दाना दोनों ही प्री मेच्योर ग्रे हेयर को ख़त्म करने के साथ साथ बालों में थिकनेस देते हैं, उसके साथ साथ सिल्की शाइनी स्मूथ बनाकर बालों को डीपली कंडीशनिंग करते हैं। मैंने गुड़हल की पत्तियों को अच्छी तरह से वॉश करके और हल्का सा दरदरा कूट लिया है और उसके बाद मैंने इसे पानी में डाला है। यहाँ पर प्लीज़ पीने के पानी का आप यूज़ करेंगे, हार्ड वाटर का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चम्मच के जितने फ्लैक्स सीड। ये भी बालों को थिकनेस देने के साथ साथ बालों को सिल्की शाइनी स्मूथ बनाती है, बालों की कई समस्याओं का समाधान करती है, ठीक है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया क्योंकि इसकी हमें एक पतली सी जेल बनानी है। थिक जेल आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बनानी है, ठीक है, इस बात का प्लीज़ ध्यान रखें। तो पानी उस हिसाब से डालें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टी लीव्स यानी चाय की पत्ती, 1 से 1.5 चम्मच। जो भी आपके घरों में चाय पत्ती हो वो आप ले सकते हैं। बड़ा चम्मच है तो एक भर के डालें और छोटा है तो लगभग 1.5 चम्मच डालें। चाय की पत्ती ना ही सिर्फ नेचुरल डाई का काम करती है बल्कि बालों में थिकनेस भी देती है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कैफीन पाया जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से बॉयल करेंगे जब तक इसकी एक जेल बने, एक पतली सी जेल, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिक जेल नहीं, जैसे मैंने कहा बनानी है, एक पतली सी हमें इसकी जेल बनानी है। इसलिए हमने इसमें जो फ्लेक्सीड थी उसकी मात्रा काफ़ी कम डाली थी, 1 ही चम्मच डाली थी। यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस शुरू करें उससे पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस करें। जो भी डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। ये देखिए, अब ये हल्का सा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, हल्का सा ठंडा कर लें। उसके बाद इसे छान लें। देखिए, पहले मैंने इसे सूप की छन्नी से छाना था तो ये मैंने गलत किया था, क्योंकि क्या हुआ था, जब मैंने इसे इस तरह से सूप की छन्नी से छाना था तो बाकी तो ठीक था, पर जो चाय की पत्ती है ना वो सूप की छन्नी से नीचे आ जाती है, ठीक है। इसलिए आप पहले ही किसी पतले कपड़े या फिर जो चाय की छन्नी आती है ना आप उससे छान लें, नहीं तो इस तरह से डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से छान लिया है। अब यहाँ पर हम लेंगे लोहे का बर्तन। लोहे का बर्तन ज़रूर लें, इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पर हम जो पहली चीज़ डालेंगे वो डालेंगे आंवला पाउडर। हम यहाँ पर पाउडर्स का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो इन सब पाउडर्स को जितने मैं डालूंगी इनको आप मिक्स करके एक कंटेनर में भर के रख सकते हैं और जब चाहें बना कर रख सकते हैं। ये पाउडर्स आप काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं एक साथ मिक्स करके, तो रोज़ का झंझट नहीं होगा। मैंने लगभग 2 से 2.5 चम्मच डाला आंवला पाउडर, 2 से 2.5 चम्मच डाला शिकाकाई पाउडर, आंवला, शिकाकाई, और उसके बाद हम यहाँ पर शिकाकाई, अगर आपके बाल थोड़े से ज़्यादा ड्राई है ना तो शिकाकाई की मात्रा हल्की सी ज़्यादा रखें, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे रीठा पाउडर। देखिए, ये तीनों ही आप चाहें तो एक जितने लें, या अगर आपको झाग की तरह चाहिए तो हल्का सा रीठा पाउडर ज़्यादा लें। हम एक तरह का यहाँ पर शैम्पू प्लस डाई बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम डालेंगे वो डालेंगे भृंगराज पाउडर। भृंगराज, जिसे किंग ऑफ द हेयर कहा गया है, बालों को काला करने के साथ साथ बालों को थिकनेस भी देता है। आंवला, रीठा, शिकाकाई, भृंगराज, ये सभी प्री मेच्योर ग्रे हेयर को ट्रीट करने के साथ साथ बालों में थिकनेस भी देते हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे हिबिस्कस का पाउडर, गुड़हल के फूलों का पाउडर लगभग 1 से 1.5 चम्मच, ठीक है।
ये बालों में थिकनेस देने के साथ साथ प्री मेच्योर ग्रे हेयर को ट्रीट करता है, उसके साथ साथ बालों को सिल्की भी बनाता है। इन सब पाउडर्स का लिंक आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जटामासी पाउडर। देखिए, अगर आपके पास बाय चांस भी जटामासी पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप करें, पर अगर डालोगे तो बहुत ही अच्छा पाउडर है। ये नए बाल उगाने में, प्री मैच्योर ग्रे हेयर को ट्रीट करने में गजब का काम करता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है जटामासी पाउडर, और ये सब चीज़ें आसानी से बिल्कुल अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी जो कि जो भी आपके घर में कॉफ़ी हो आप ले सकते हैं, 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे कॉफ़ी पाउडर। अब क्या करना है, इन सब पाउडर्स को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठीक है, मैंने ये पाउडर्स एक टाइम के जितने ही लिए हैं। जैसे मैंने कहा कि आप चाहें तो इन सब पाउडर्स को बनाकर किसी कंटेनर में भरकर रख दें, और जब चाहें तब आप इस रेमेडी को बना सकते हैं। ठीक है, अब जो हमने पानी बनाया था इससे हम इसकी एक स्मूथ बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे, जैसे हम हिना की पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने के बाद आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद इसे आपको ढककर ओवरनाइट ज़रूर रखना है बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। मैंने जैसे कहा कि मैंने एक ही टाइम का इसे बनाया है। अब इसे अच्छी तरह से छोटे छोटे सेक्शन करके एक शैम्पू की तरह हल्की सी ऑयलिंग आपने की है तो भी चलेगा, बिल्कुल हल्की सी है तो ये एक शैम्पू का काम करेगा। अगर आप डाई की तरह इसे लगाना चाहते हैं तो बिना ऑयलिंग के बालों पर आप इसे अच्छी तरह से छोटे छोटे सेक्शन करके लगाएं। इसके बाद आपको शैम्पू नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, शैम्पू मत कीजिएगा, नहीं तो वो असर नहीं मिलता है, क्योंकि शैम्पू में केमिकल्स होते हैं। नॉर्मल पानी से वॉश करें, उसके बाद अच्छी तरह से ऑयलिंग करके दूसरे दिन शैम्पू करें। थैंक